रघुवंशी कॉम्प्लेक्स में हुई गोलीबारी की घटना में शामिल दो आरोपियों को हाल ही में बल्लाशाह से गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं बुधवार को फायरिंग करने वाले बुरखाधारी आरोपी को शहर पुलिस ने हिरासत में लिया। हाल ही में रघुवंशी कॉम्प्लेक्स गोलियों की आवाज से गूंज उठा था। इस आवाज को सुनकर लोगों के होश उड़ गए। शहर स्थित रघुवंशी कॉम्प्लेक्स में गोलीबारी की घटना में परिसर दहल उठा था। नकाबपोश ने जिस युवक पर गोली चलाई उसे अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मौका पंचनामा कर आगे की जांच में जुट गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे ने घटना की जांच स्थानीय गुन्हे शाखा को दी, जिसके तहत स्थानीय गुन्हे शाखा के पुलिस निरीक्षक बाला साहेब खाड़े के मार्गदर्शन में जांच शुरू कर जांच दौरान बल्लार शाह से दो आरोपियों को हिरासत में लिया। इस घटना में पिस्तौल से गोली चलाने वाले बुरखाधारी आरोपी को शहर पुलिस के जांच पथक ने हिरासत में लेकर उसकी ओर से पिस्तौल जब्त की। कार्रवाई संदर्भ में जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे ने दी। 13 जुलाईला आपल्या शहरामध्ये फायरिंगची घटना घडली होती। सदर घटनेत एक बुरखाधारी इस्मानी गोळीबार केला होता आणि त्यामध्ये चिन्ना जखमी झालेला होता। फिर्यादी सदर तपासामध्ये आपण मुख्य ज्यांनी गोळीबार केला त्या आरोपीला अटक केलेली आहे आणि आता पुढील तपास चालू आहे।